Hey everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोटिक के बायो नेक्टर मॉर्निंग मॉइस्चराइजर के बारे में इन डिटेल. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग. सो पैकेजिंग से स्टार्ट करते हैं एंड आउटर पैकेजिंग आपको कुछ इस तरीके से कार्टून की पैकेजिंग मिल जाती है, कार्टून के बॉक्स में मिलता है ये आपको एंड उसके ऊपर से इस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से ये लोग इसको सील करके देते हैं. मैंने इसे उधर से ओपन कर रखा हुआ था. एंड साथ ही इनर पैकेजिंग की बात करें तो बहुत ही टिपिकल बायोटिक के बहुत सारे प्रोडक्ट आपको सेम पैकेजिंग में देखने को मिलेंगे. जैसे मैंने बायोटिक का नेक्चर सनस्क्रीन जो रिव्यू किया था उसकी पैकेजिंग में एग्जैक्टली सेम थी. साथ ही इसका हनी फेस वॉश जो आता है वो भी एग्जैक्टली सेम पैकेजिंग में मिलता है. तो पैकेजिंग आपको बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही स्टडी, बहुत ही अच्छी मिल जाती है पैकेजिंग. कोई ऐसा कुछ इन लोगों ने फैंसी नहीं किया पैकेजिंग में, बट स्टिल बहुत ही हैंडी है, बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है क्योंकि बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाता है. ग्रीन कलर का कैप है इसका एंड ऐसे ऐसे कुछ स्क्रू लॉक है इसका, ऐसे आपको उसको घुमा के लॉक करना पड़ता है. तो ये मेक श्योर करता है कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी लीक ना हो. तो ट्रैवल फ्रेंडली है, लीक प्रूफ है, ये बात तो अच्छी है. पैकेजिंग इसकी सिंपल है बट बहुत ही अच्छी है. पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी पैकेजिंग. सो बात करें अगर इस प्रोडक्ट की बेस्ट यूज़ की तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए, क्योंकि इसने मेरे फेस पे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दिया है. सो मैं इसे यूज़ करती हूँ एज माई मॉर्निंग मॉइस्चराइजर, एज वेल एज माई नाइट मॉइस्चराइजर और माई नाइट क्रीम, आप कह सकते हो जो चाहो. सो मेरे सीटीएम रूटीन में मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एज माई मॉइस्चराइजर. क्लीजिंग टोनिंग करने के बाद मैं इसे मॉर्निंग में एज माई फेस मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ. बहुत ही क्विकली मेरे स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है एंड बहुत ही हेल्दी ग्लो देता है ये आपके फेस को, बहुत ही हेल्दी ग्लो देता है. बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है वो और वो शाइनी ग्रीजी लुक आपके फेस पे बिल्कुल भी नहीं मिलता. बहुत ही नेचुरल ग्लो आता है आपके फेस पे अप्लाई करने के बाद. एंड साथ ही मैं इसे यूज़ करती हूँ नाइट में अपने फेस को वॉश करने के बाद, मैं इसे यूज़ करती हूँ एज माय नाइट मॉइस्चराइजर. और रात को भी ये बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है. जब आप इसे रात को अप्लाई करके सोते हो तो सुबह में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी प्लम ग्लोइंग लगती है. एंड बेस्ट बात ये है कि मुझे पता है कि मैंने ग्लोइंग इफेक्ट के लिए किसी केमिकल का यूज़ नहीं किया, बहुत ही नेचुरली एंड सेफ प्रोडक्ट्स के साथ मुझे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिला है. तो इस हिसाब से आप अंदर से भी खुश रहते हो एंड बाहर से आपकी स्किन तो खुश रहती है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लगती है. एंड इसे अप्लाई करने के बाद जस्ट ये बहुत ही सॉफ्ट वाली फीलिंग आती है. अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट हो जाती है इंस्टेंटली एंड ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग भी है. ऐसा नहीं कि अप्लाई करने के जस्ट एक दो घंटे के बाद आपकी स्किन फिर से ड्राई होने वाली है, ऐसा नहीं है. आप इसे सुबह को अप्लाई कर लो एंड पूरे दिन आराम से 7-8 घंटे तो बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है. तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इसे एक बार सुबह में लगा के फ्री हो जाते हो. सो ये तो होगी इस मॉइस्चराइजर की सारी पॉजिटिव बातें. अब इसमें एक चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगी पर्सनली, मुझे एक बात इस मॉइस्चराइजर में अच्छी नहीं लगी एंड वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी. तो वो ये है कि इसमें सनस्क्रीन इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये डे मॉइस्चराइजर है तो इसमें सनस्क्रीन होना चाहिए था. ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत खटकती है यार कि मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद या फिर आप कोई भी जो डे क्रीम अप्लाई कर रहे हो उसके बाद अगर आपको सनस्क्रीन बाहर से अप्लाई करना पड़े तो ये एक झंझट सा होता है. बट ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि इसमें सनस्क्रीन नहीं है तो भी मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है. बट अगर इसमें सनस्क्रीन होता तो चेरी ऑन केक वाली बात हो जाती. बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मॉइस्चराइजर में, बहुत ही अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड है. एंड पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे भी मेरे सब्सक्राइबर ने रिकमेंड किया था कि आप इसे यूज़ करो एंड अपना रिव्यू शेयर करो. सो थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस एंड मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. एंड सारी बातें आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ अच्छे से शेयर कर दी हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं इसके सारे पॉइंट्स. बट स्टिल अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो इस मॉइस्चराइजर से रिलेटेड या फिर मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड या फिर इस वीडियो में मेरी किसी भी बात से रिलेटेड, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ. तो आप प्लीज़ मुझसे कॉमेंट करके पूछ लीजिए, मैं उसका जल्दी से रिप्लाई करके आपके उस क्वेश्चन को आंसर कर दूंगी और आपके उस डाउट को क्लियर कर दूंगी. क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अभी सीख रही हूँ चीज़ों को एक्सप्लेन करना एंड मुझे नहीं पता कि मैं कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ. बट ट्रस्ट मी, मैं मेरा 100% देती हूँ. मैं चाहती हूँ कि मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में जिसके बारे में रिव्यू शेयर कर रही हूँ सारी बातें से क्लियर कर दूँ. बट आई डोंट नो मैं कैसा कर रही हूँ. सो हेल्प मी इन दिस, अगर मैं कुछ भी बताने में भूल जा रही हूँ या कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी एंड आपको उस डाउट को क्लियर कर दूँगी. सो बस ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू बायोटिक बायो मॉर्निंग नेक्चर मॉइस्चराइजर के बारे में. आई होप आपको अच्छा लगा हो. एंड एक बार मैं और यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था. पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लाइक बहुत 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 अच्छा लगा. एंड मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ. इसे हर स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, हर सीजन में यूज़ कर सकते हो. बस
ऑयली स्किन वाले ह्यूमिडिटी मैं नहीं यूज कर सकती, लाइक बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, मैं प्रेफर करना चाहती हूं स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है, बस उस केस में आप यूज नहीं कर सकते, दैट्स इट। बाकी हर स्किन टाइप के लोग हर वेदर में से यूज कर सकते हैं। एंड विंटर के लिए भी अमेजिंग है, समर के लिए भी अमेजिंग है, बहुत ही हेल्दी ग्लो देता है ये प्रोडक्ट आपको, एंड बहुत ही बेबी सॉफ्ट बना देता है आपके स्किन को इंस्टेंटली। सो बस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो यार, एंड इसे शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, जिससे हमारी छोटी सी फैमिली जल्दी से बड़ी हो जाए एंड आपका ये छोटा सा चैनल जल्दी से ग्रो करे। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे कल अपने एक नए वीडियो के साथ, एंड देन बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।